हाय फ्रेंड्स, तो ये है मेरा सेटअप जहाँ पे मैं शूट करती हूँ। यहाँ पे मैं फोन से शूट करती हूँ। ये मेरा पैड और ये है मेरे सारे ब्रशेस, कुछ यहाँ पे मैं रखती हूँ। ये है मेरे पास एक लाइट और यहाँ पे फ्रेंड्स ये देखिए, ये मेरी चीजें यहाँ पे मैं रखती हूँ। सो इजीली मुझे लेके बनाना इजी रहता है। यहाँ पे मैं अपना बनाती हूँ पेंटिंग्स जो आपके लिए जाता है। और यहाँ पे मेरी बेटी खेलती है। हे हेलो अमी, सो फ्रेंड्स ये है मेरा सारा सेटअप जो आप देखते हैं। यहाँ पे मैं करती हूँ लाइट के लिए मैं थोड़े पर्दे को हटा देती हूँ पेंटिंग के टाइम पे, और इससे मैं यहाँ पे इसको अटैच की हूँ। और साइड एंगल से व्यू के लिए मैं यहाँ पे ये लगाई हूँ। यहाँ पे जो साइड एंगल से इसमें फोन अटैच करने पे होता है, ऐसे मैं यहाँ पे अपना फोन अटैच करके साइड एंगल से शूट करती हूँ। तो आप देख रहे हैं ये सब मेरा सेटअप है। मेरा नोट पैड, ये स्पाइरल नोट पैड है जिसमें मैं कुछ छोटे पेंटिंग्स बनाती हूँ। और इसका जो है ये कैनवास, आप इसकी जगह पे कैनवास पेपर भी यूज़ कर सकते हो। ये मुझे इजीली यहाँ के शॉप में अवेलेबल हो जाता है तो मैं इसे खरीदती हूँ। और ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में आते हैं, अलग अलग ब्लॉक में आते हैं। जैसे ये थोड़े बड़े साइजेस के हैं और आप पेंट करने के बाद इसको एक साइड से निकाल सकते हैं, और निकालेंगे तो फिर नेक्स्ट हो जाएगा रेडी टू पेंट। और मैं वन स्ट्रोक्स के लिए यूज़ करती हूँ। ये है वन स्ट्रोक के लिए ब्लैक पेस्टल पेपर। मैक्सिमम व्यूवर्स का ये भी रहता है कि मैम आप किस पे वन स्ट्रोक बनाते हैं, तो ये ब्लैक पेस्टल पेपर है जिसको मैं यूज़ करती हूँ। और ये पूरे एक चार्ट पेपर के साइज़ में आता है और आप जो भी साइज चाहें वो कटिंग कर सकते। मैं डिफरेंट डिफरेंट साइजेस का कट करके रखती हूँ सेम ये, और कैनवास रोल भी यूज़ करती हूँ। ये है मेरा कैनवास रोल जिस पे मैं कैनवास पेंटिंग करती हूँ, और कैनवास पैड्स भी यूज़ करती हूँ। ये है मेरा कैनवास पैड जो मैं पेंट्स में यूज़ करने वाली हूँ। और अब आ जाइए आप मेरे कलर्स को देखने के लिए। सो ये है मेरे सारे कलर्स। जो कलर्स मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ उसके बड़े वाले साइज ट्यूब्स मंगाई हूँ, लेकिन आई थिंक आपको ये छोटे ट्यूब्स लेने चाहिए। और मैं रिकमेंड करूँगी कि 12 और 12 का सेट आता है वो बेस्ट होता है। ये सारे मेरे एक्रेलिक पेंट्स हैं। कैमेलिन का मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, बट आपको जो भी अच्छा लगे, ब्रुस्टो भी अच्छा होता है। मैं कभी ट्राई करूँगी ब्रुस्टो का भी नेक्स्ट। आई थिंक ब्रुस्टो मंगा के देखूंगी मैं कि कैसा है, लेकिन अभी तो मैं यही ट्राई करती हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है लोगों का कि मैं क्लीनिंग कैसे करती हूँ। और ये सारे मेरे पेंसिल्स हैं जिससे मैं कभी कभी ड्रॉ करती हूँ। और ये है मेरा ट्रे जिसमें मैं पेंट को रखती हूँ, और मैं इसे अपने घर में भी वेजिटेबल रोल करने के लिए ही लाई थी, बट अभी मैं यूज करती हूँ इसको अपना पेंटिंग ट्रे रोल करने में। और आप भी इसे यूज कर सकते हैं, ये बेस्ट है, आपको वॉश नहीं करना पड़ेगा ट्रे। मैं इसे ऐसे लगाती हूँ ये देखिए, नाउ रेडी रेडी टू पेंट। और आप इस पेंट पे ऐसे मैंने लिया, यूज किया, कुछ भी किया, और लास्ट में आप इस रैपर को हटाइए एंड देन आप कट रही एकदम क्लीन रहता है
नहीं तो फिर इतना गंदा हो जाता है, उसको साफ करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और ये मेरे मैक्सिमम वीडियोस के कमेंट्स में आते हैं कि आप इसे कैसे क्लीन करते हो, तो मुझे क्लीन करने की जरूरत नहीं होती है, बस मैं इस रैपर को हटाती हूँ एंड देन मेरा ट्रे क्लीन हो जाता है। और ब्रशेस को वॉश करने के लिए मैं नॉर्मली वाटर से इसे उसी पेंट करने के जस्ट बाद इसको वॉश करती हूँ अच्छे से और सुखा के रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये है मेरे फ्लैट ब्रशेस, सो आप देख सकते हैं ये मेरा फर्स्ट बैच का ब्रश है। जब मैं ब्रशेस का सेट पूरा खरीदी थी और यूट्यूब स्टार्ट करने वाली थी, सो ये मेरा ओल्ड ये मेरे मैक्सिमम पेंटिंग्स में आपको दिखेगा। और ये मैं अभी रिसेंट के वन स्ट्रोक्स में यूज़ करती हूँ बिकॉज ये न्यू है और ये बहुत ही अच्छे से चलते हैं। स्मूथ ब्रशेस चाहिए आपको वन स्ट्रोक पेंट करने में। इसके पहले जो वन स्ट्रोक्स में मैं यूज़ करती थी वो ये ब्रशेस हैं। अब ये रफ हो गए हैं तो इसको मैं बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड पेंट करने में या ट्री पेंट करने में यूज़ करती हूँ। आप देख सकते हैं इससे ग्रासेस और ट्रीज बहुत अच्छे से अभी बनते हैं और इससे मैं बहुत सारे वन स्ट्रोक्स पेंटिंग्स को बनाई हूँ। और अभी मैं ये ब्रशेस यूज कर रही हूँ और ये मेरे कुछ 6, 7 और 5 नंबर्स के ब्रशेस हैं, फ्लैट ब्रशेस। और ये मेरा कस्टम मेड ब्रश है इसलिए मैं आपको ये वाला ब्रश दिखाऊंगी। ये ऑलमोस्ट मेरे 90% पेंटिंग्स में आपको ये दिखेगा ब्रश। इसको मैं थोड़ा सा सीजर से कट करके भी बनाई हूँ और ये बहुत ही रफ है जिससे मैं ट्रीज को बनाती हूँ, ग्रासेस को बनाती हूँ और क्लाउड्स भी बनाती हूँ मैं। और अब मेरे नेक्स्ट फेवरेट ब्रश में आने वाला है ये, क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट इसी की तरह हो रहा है, इसको थोड़ा और मुझे कट करके बनाना होगा कस्टम। और ये मेरे सारे फ्लैट ब्रशेस हैं। मेरे पास 2 फिलबर्ट ब्रश है, ये देखिए ये मेरे पास 2 फिलबर्ट ब्रशेस हैं जो मैं यूज करती हूँ। ये है मेरे राउंड ब्रशेस और इसमें कुछ लाइनर्स हैं। ये मेरा लाइनर ब्रश है, ये 7 नंबर राउंड ब्रश है, 1 नंबर, 8 नंबर। इस ब्रश को मैं मैक्सिमम यूज करती हूँ। आप ये देख सकते हैं मेरे पास ये सारे ब्रशेस हैं राउंड के। और फ्रेंड्स मैं बहुत ज़्यादा ब्रशेस यूज नहीं करती हूँ, कभी भी मैं चूज करती हूँ तो या तो ये ब्रश एक चूज कर ली, एक ये ब्रश चूज कर ली और एक ऐसे में कोई भी फ्लैट ब्रश चूज कर ली, तो मैं मैक्सिमम पेंटिंग्स में ये तीनों ब्रशेस तो आपको दिख जाते ही होंगे, दिखते ही होंगे। और कोई एक लाइनर ब्रश यूज कर लिया मैंने और मैं मिनिमम ब्रशेस को यूज करती हूँ अपने पेंटिंग्स में। और एक न्यू सेट्स में ये भी है, कभी कभी मैं इसको भी यूज करती हूँ बैकग्राउंड पेंट करने के लिए। ये मैंने अभी रिसेंट में ही खरीदा है, एक दो पेंटिंग में ही गया होगा। अगर आप न्यू ब्रश का सेट लेना चाहते हैं तो आप, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ये लीजिए। इसमें ऑल टाइप्स के ब्रशेस हैं, फिल्बर्ट है, फ्लैट ब्रश है, लाइनर्स हैं, राउंड ब्रशेस हैं, फैन ब्रश है। आप फिल्बर्ट ब्रश से इससे आप वन स्ट्रोक पेंट कर सकते हैं और आप सीनरीज, फ्लावर्स कुछ भी पेंट्स कर सकते हैं। ये ब्रश मुझे वन स्ट्रोक के लिए बेस्ट लग रहा है, अभी तक मैं इससे पेंट नहीं की हूँ बट नेक्स्ट मेरा वन स्ट्रोक इसी से जाने वाला है। अभी तक मैं इस ब्रश को यूज करती थी, आप देख सकते हैं ये अभी यूज कर रही हूँ और इसके पहले जो वन स्ट्रोक्स के थे वो ये ब्रशेस थे, 8 और 9 नंबर्स, जो कि अभी रफ हो गए और अब ये बैकग्राउंड पेंट करने के काम आते हैं, ट्रीज पेंट करने के काम आते हैं। बट अभी मैं ये चल रहा है मेरा वन स्ट्रोक का, लेकिन नेक्स्ट मैं यूज कर सकती हूँ इन दोनों ब्रशेस को। ये ब्रश मुझे अच्छा लग रहा है, नेक्स्ट पेंटिंग वन स्ट्रोक का इस ब्रश से जाएगा। और आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अगर ब्रश का सेट खरीद रहे हैं तो आप इसको खरीदें, ये बेस्ट है। और अभी मैं एक और नई पेंटिंग की हूँ, थोड़ा डिफरेंट करने के लिए मैंने सोचा कि लाओ कुछ डिफरेंट पेंटिंग्स करते हैं। सो मैंने इंक पेन से किया है, ये ब्रुस्टो का टेक्निकल पेन है। ये पेन भी मुझे बहुत अच्छा लगा करके, बहुत इंटरेस्टिंग लगा इससे ड्राइंग करके। और ये 6 का सेट है जिसमें मैंने इस पेंटिंग में यूज़ किया हुआ है 8 नंबर, 0.8, 0.5 एंड 0.2। और आप इससे बहुत सारी चीज़ें, यूनिक चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं और मैं खुद इसे
कुछ पेंटिंग्स और बनाने वाली हूँ जो कि आगे आपको मिलेंगे। ये हैं मेरे सारे ब्रशेस। फ्रेंड्स, अगर आपको और भी कुछ जानना है, और भी कुछ मेरे से पूछना है, तो आप अपने कमेंट्स में शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय।